वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड इस महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग एंड पॉजिटिव होंगे तो अच्छा होगा। और इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊँ, इससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर करिएगा, और अगर सही नहीं लगे तो फिर कोई भी फोर्सेबल चीज़ नहीं है। आजकल कोविड को लेकर के जो कंडीशंस चल रही है वो बहुत ख़राब है। मतलब जितने चीज़ें हमें पता चल रही हैं कंडीशन, उससे कहीं ज़्यादा गंदी है। तो हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, बट प्लीज़ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी वायरल वीडियोस होते हैं जिनमें बहुत ही वर्स सिचुएशन दिखाई जाती है, जैसे कि किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, बॉडीज़ की मतलब लाइन लगी हुई है, नंबर्स लग रहे हैं, ये सारी जग चीज़ें जो वायरल वीडियोज़ में आपको बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, विच इज़ ट्रू, आई एग्री 100% की विच इज़ ट्रू, बट प्लीज़ इन वायरल वीडियोज़ को आप अपने घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी जो बड़े हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनको प्लीज़ ये चीज़ें ना दिखाएं, क्योंकि वो लोग ये सारी चीज़ें देखकर बहुत पैनिक हो जाते हैं और सोच सोच कर वो अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं कि कितनी गंदी सिचुएशन है, अगर हमें नॉर्मल भी कुछ हो गया तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा अपनी सिचुएशन को और भी ख़राब कर लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो ज़रूर करिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, नथिंग एल्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हम चीज़ों को ठीक है समझ लेते हैं कि हाँ है सिचुएशन जो भी है चल रहा है ठीक है, लेकिन जो स्पेशली जो मम्मी लोग होती हैं तो वो बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो बहुत ही पैनिक करती हैं। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उनको वायरल वीडियोस ना ही दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज की जो नोटिस आई है NCL की तरफ से, जो नोटिस आई है बहुत बड़ी अपडेट आई है, आखिर कौन सी नई अपडेट आई है, सारी चीज़ों की बात करेंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज NCL ने एक नई नोटिस निकाली है जो कि आपके सामने है, देख पा रहे हैं आप लोग, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ डॉक्टर्स ऑन टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेम्प्रोरी है ये जॉब, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। एकदम ब्रीफ में बात करेंगे, बहुत जल्दी से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन मेन चीज़ों की मैं बात करूँगी, यहाँ पर दो कैटेगरी की जॉब्स निकली हुई हैं, डॉक्टर्स विथ MBBS क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड डॉक्टर्स विद MBBS प्लस स्पेशलाइजेशन, सेकंड में क्या मांगा है स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर्स विद MBBS क्वालिफिकेशन में 45 वैकेंसी है, 90,000 सैलरी है, और जिसमें स्पेशलाइजेशन मांगा उसमें 11 है पोस्ट है, बस उसकी सैलरी 125,000 है। तो आप समझ सकते हैं सैलरी का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज, ज़रूर इसे आप फिल करिएगा, क्योंकि इससे आपके दो काम हो जाएंगे, एक तो आपको जॉब मिलेगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, और सेकंड आप कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, जो सेकंड नंबर की जो स्पेशलाइजेशन की जो वैकेंसी है उसे कैटेगराइज किया गया है, उसके 11 जो वैकेंसीज जो निकली हुई हैं उनको यहाँ पर जो भी है, तो मेडिसिन में कितनी चाहिए, सर्जन में कितनी चाहिए, ये सारी वैकेंसीज को कैटेगराइज किया गया है, ये आप इसे एक बार देख सकते हैं। आगे देखते हैं जो रोल प्रोफाइल दी हुई है जो हर एक डॉक्टर्स की होती है, वो सारी यहाँ पे रोल्स दी हुई है, आप इसे एक बार ब्रीफली इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट जो मांगा है वो 65 ईयर्स मांगा है, और मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया प्रेफरली 5 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। नेक्स्ट अगर अपन बढ़ते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, MBBS की जो डिग्री होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, जो स्पेशलिस्ट की जो जॉब मांगा उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका, ये जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट आपको मांगी गई है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको, यहाँ पर साइट दी हुई है, तो जो यहाँ पर साइट दी हुई उस पर आपको जाकर अप्लाई करना है, और 15th में इसकी लास्ट डेट दी हुई है, ये चीज़ों का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें और जरूर से अप्लाई करें। नेक्स्ट अगर मैं आप बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या, आपके इंटरव्यूज होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यूज होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर्सनल इंटरव्यू है, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म इसके लास्ट में सबमिट अटैच किया गया उसे आपको फिल करके सबमिट करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है, और उसके बाद आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू होगा और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आपके द्वारा कुछ मिसबिहेव किया जाता है या आपके द्वारा कोई भी ऐसी मिसबिहेव की सूचना मिलती है तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है बिकॉज इट्स अ टेम्प्रोरी जॉब। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो आपको फिल करके
सबमिट करना है उस वेबसाइट पे। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप अच्छे से देख लो, इसे फिल करके आप उसे इसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी हुई जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको दी हुई है। तो ये थी न्यू वैकेंसी जो आप जो अगर आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ इसे फिल करें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं लेकिन आप किसी को जानते हैं कि वो एलिजिबल हो सकता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आपके साथ भी एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आप किसी को कोविड में हेल्प करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे, तो प्लीज़ उसका ज़रूर शेयर करें। जो एज दी हुई है 65 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर ज्वाइन जो है तो फिलअप कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें, बिकॉज ये वैकेंसी ना हो करके एक बहुत बड़ी हेल्प है जो एनसीएल की तरफ से की जा रही है जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के लिए। हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, तो अगर आपके पास ये वीडियो आता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो इसको फिल कर सके। क्योंकि कई बार होता है फिल करने के लिए बहुत से कैंडिडेट होते हैं लेकिन उन्हें अपडेट नहीं मिल पाती क्योंकि उनका कोई शेयर नहीं करता है। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।